तो दोस्तों, आप में से सभी के दिमाग में ये सवाल तो हमेशा आता ही होगा कि क्या हो अगर हमारा स्टॉक ब्रोकर रातों रात बैंकरप्ट हो जाए या फिर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बंद हो जाए। उस केस में आपके शेयर्स का क्या होगा और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रखे पैसों का क्या होगा? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका ब्रोकर बैंकरप्ट हो जाता है तो उस केस में क्या होता है। शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, ब्रोकर हमारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक कड़ी का काम करता है। कभी किसी स्टॉक को बाई या सेल करते हैं तो हमारा ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर के थ्रू पहुंचता है और ब्रोकर का मेन रेवेन्यू ब्रोकरेज से आता है जो वो हमसे चार्ज करते हैं हर एक ट्रांजेक्शन पर। लेकिन क्या हो अगर आपका ब्रोकर रातों रात बैंकरप्ट हो जाए, जैसा कि हमने कार्वी स्टॉक ब्रोकर के साथ में देखा था। तो दोस्तों, अगर आपका ब्रोकर रातों रात बस्ट हो जाता है तो आपके शेयर्स को कुछ नहीं होगा। जी हाँ, आपके शेयर्स बिल्कुल सेफ रहेंगे। हमारी जो स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी वेल रेगुलेटेड है, हेड्स ऑफ टू सेबी। और आपके शेयर्स ब्रोकर के अकाउंट में ना रहकर डिपॉजिटरी के अकाउंट में रहते हैं। इंडिया के केस में दो डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL। पर मेन कंसर्न आता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रखे हुए अमाउंट का, जो आपने शेयर्स परचेज में यूटिलाइज नहीं किया है। ये अमाउंट आपके ब्रोकर के पास रहता है और अगर आपका ब्रोकर बस्ट हो जाता है तो आपको भी चिंता करने की ज़रूरत है। तो इस केस में सेबी ने हमारे लिए बनाया है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, जिसका काम है स्टॉक ब्रोकर के बस्ट होने की स्थिति में आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कराना। पर ये कंपनसेशन मैक्सिमम 25 लाख का मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 25 लाख से ज़्यादा अमाउंट है तो भी मैक्सिमम आपको 25 लाख का कंपनसेशन ही मिलेगा। ये कंपनसेशन पाने के लिए आपको इस स्कीम का फॉर्म भरना होगा और डिटेल्स आपको एक्सचेंज में सबमिट करके एक्सचेंज आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करवा देगा। पर इसमें कितना समय लगेगा वो कुछ क्लियर नहीं है। अब बात आती है आपके प्लेज किए हुए शेयर्स की। तो सेबी के 25 फरवरी 2020 के सर्कुलर से पहले आपके प्लेज शेयर्स आपके ब्रोकर के पूल अकाउंट में रहते थे। पर इस सर्कुलर के बाद आपका ब्रोकर डिफॉल्ट भी करता है, फिर भी आपके शेयर्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के थ्रू अनप्लेज कर दिए जाएंगे। पर यह प्रोसेस कितना लंबा चलता है उसका हम कुछ कह नहीं सकते। आइए अब जान लेते हैं कि इस सब से बचा कैसे जा सकता है दुर्घटना से देर भली। तो दोस्तों, आपको हमेशा अपने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलते समय ध्यान रखना है कि आप किसी अनरजिस्टर्ड एंटिटी के साथ डील ना करें। जाने माने रेप्यूटेड ब्रोकर्स के साथ ही अकाउंट खोलें, जैसे कि जीरोधा। सेबी हर ब्रोकर को रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करता है, तो हमेशा अपने ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछें और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को सेबी की वेबसाइट पर जाकर क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें। और अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उतना ही अमाउंट रखें जितना आपको ज़रूरत है या फिर जितने अमाउंट से आप रोज में बाजार में लेन देन कर रहे हो। अपने अकाउंट में होने वाले सारे ट्रांजेक्शंस का डिटेल्स रखें। अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होता है तो आप एक्सचेंज और ब्रोकर को रिपोर्ट करें। तो दोस्तों, यही था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।